नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। वैशाली की बेटी ने किया पिता का श्राद्ध, तो समाज ने किया सम्मान। पॉलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्या भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी। मौसम विभाग का बिहार के 26 जिलों में वज्रपात का अलर्ट। विशेष सर्वेक्षण व बंदोबस्ती कार्य 2024 तक पूरा करने का निर्देश। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान बीमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान बीमार। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान की तबीयत खराब हो गई है। उन्हें IGIMS के प्राइवेट वार्ड में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनके इलाज के लिए डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है और डॉक्टर ने कहा है कि उनकी स्थिति में काफी सुधार है। फागू चौहान की जांच रिपोर्ट में पता चला है कि उनके यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार 2 दिन से उन्हें काफी बुखार था और बीती रात गुरुवार को वो बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें आनंद फानन में IGIMS ले जाया गया। ग्रामीण बैंक कर्मियों के वेतन में वृद्धि। वित्त मंत्रालय और ज्वाइंट फोरम ऑफ ग्रामीण बैंक यूनियंस के बीच 5 सितंबर को उप मुख्य श्रमायुक्त डॉक्टर RJ मीना के समक्ष हुए समझौते के तहत केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत दक्षिणी बिहार ग्रामीण बैंक ने परिपत्र जारी कर 11वें द्विपक्षीय वेतन समझौते के दौरान अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन में प्रतिमाह 1,500 की वृद्धि की जाएगी। बता दें कि इस माह से 700 रुपये लोकेशन भत्ता, 600 रुपये पर महंगाई भत्ते के साथ लर्निंग भत्ता, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव और 55 साल से ऊपर के स्टाफ को विशेष अवकाश कैश पेमेंट आदि का लाभ शुरू हो गया है। नेपाली नगर मामले में हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। नेपाली नगर मामले में गुरुवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने सरकार को कहा है कि इस मामले में यह पता लगाना चाहिए कि आवास बोर्ड और राजीव नगर थाने में पदस्थापित पदाधिकारियों ने उस अवधि में कितनी संपत्ति कमाई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में एक शपथ पत्र दायर कर यह जानकारी दी गई है कि नेपाली नगर में 3,255 लोगों ने अपना मकान बनाया है। कोर्ट ने आवास बोर्ड व राज्य सरकार को कहा है कि नेपाली नगर से संबंधित जितने भी मामले इस कोर्ट में सूचीबद्ध है, उन सभी में 27 सितंबर तक अपना जवाब दे। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि हर हाल में 27 सितंबर तक सुनवाई पूरी कर ली जाएगी। विशेष सर्वेक्षण व बंदोबस्ती कार्य 2024 तक पूरा करने का निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्य की समीक्षा बैठक के दौरान बिहार से भूमि विवाद को खत्म करने के लिए विवाद को सुलझाने को लेकर कई निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्य राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एक बंदोबस्ती कार्य में तेजी लाए और नवम्बर 2024 तक इसे पूर्ण करे। के साथ ही विभाग में आवश्यकता अनुसार खाली पदों को भरा जाए ताकि काम की गुणवत्ता और गति प्रभावित ना हो। मोबाइल पर भेजे जाएंगे चरित्र प्रमाण पत्र। राज्य की गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर एक नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि अब लोगों को प्रमाण पत्र लेने के लिए दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चरित्र प्रमाण पत्र ईमेल या मोबाइल पर भेजे जाएंगे। इस बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने RTPS अप्लाई फॉर्म के माध्यम से चरित्र प्रमाण पत्र के निर्माण, निर्धारित अवधि से अधिक समय लगने, विलम्ब की सूरत में अपील दायर करने की व्यवस्था और दोषी पदाधिकारी कर्मियों पर दंड लगाने समेत पूरी प्रक्रिया के लगातार मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव ने पितृपक्ष मेले का लिया जायजा। पितृपक्ष मेला महासंगम 2022 के अवसर पर पिंडदानियों के बढ़ते जनसैलाब तथा जिला प्रशासन द्वारा तीर्थयात्रियों की सुविधा हेतु किए गए तैयारियों का निरीक्षण करने संजीव हंस, प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग, सह अध्यक्ष प्रबंध निदेशक बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के द्वारा गांधी मैदान में बनाए गए टेंट सिटी का जायजा लिया गया। इसके बाद उन्होंने टेंट सिटी में ठहरे तीर्थयात्रियों से टेंट सिटी के बारे में जानकारी भी ली। तीर्थयात्रियों की बातें सुनकर प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग ने काफी खुशी प्रकट करते हुए तमाम पदाधिकारी को धन्यवाद देते हुए कहा कि काफी सुसज्जित तरीके से यात्रियों को सभी व्यवस्थाएं दिया गया है। मौसम विभाग का बिहार के 26 जिलों में वज्रपात का अलर्ट। मौसम विभाग ने बिहार के 26 जिलों में शुक्रवार को वज्रपात और मेघा गर्जन का अलर्ट जारी किया है। राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर, छपरा, गया समेत अन्य जगहों पर ठंड का गिरने की आशंका है। वहीं कैमूर और बक्सर जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। लोगों से सावधान रहने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, पटना, नालंदा, जहानाबाद, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और अरवल जिले में कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिर सकती है।
वैशाली की बेटी ने किया पिता का श्राप तो समाज ने दिया सम्मान। विश्व को गणतंत्र का प्रथम पाठ पढ़ाने वाली वैशाली की धरती ने समाज को अनूठा संदेश दिया है। जिले के गौरेला की एक पुत्री ने न सिर्फ पिता का अंतिम संस्कार किया बल्कि पूरे विधि विधान के साथ श्राद्ध कर्म को भी संपन्न किया। इस घटना में विशेष बात है कि ग्रामीणों ने पूरी प्रथा को समाप्त कर पहली बार एक नारी को पगड़ी व चादर देकर सम्मानित भी किया है, जैसे पुरुषों को दिया जाता है। दरअसल गौरेला प्रखंड के सोंधो कहर टोली निवासी शिव बालक प्रसाद सिंह की मौत के बाद उनकी इकलौती पुत्री ने उन्हें मुखाग्नि दी, क्योंकि उनके पास कोई पुत्र नहीं था। पॉलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्या भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी। पोबिहार लोक सेवा आयोग पटना ने राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभिन्न विषयों के व्याख्यात पद पर भर्ती के लिए होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा 2020 को लेकर एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इस परीक्षा का आयोजन 29 सितंबर 2022 को किया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी बीपीएससी की इस परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं वे इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सभी अभ्यर्थी 27 सितंबर 2022 को अपने संबंधित परीक्षा केंद्रों में आईडी प्रूफ, रंगीन फोटो लगा ई प्रमाण पत्र और वेबसाइट पर मौजूद घोषणा पत्र को भरकर गजेटेड ऑफिसर से प्रमाणित कराकर परीक्षा केंद्र अधीक्षक को समर्पित करेंगे। अजय देवगन के खिलाफ पटना में मुकदमा। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन पर पटना में मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमे में अजय देवगन समेत कई लोगों को आरोपित बनाया गया है। दरअसल पूरा मामला अजय देवगन की आने वाली फिल्म थैंक गॉड से जुड़ा है। इस फिल्म के द्वारा अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा ने एक्टर अजय देवगन पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने भगवान चित्रगुप्त का अनादर किया है। इस फिल्म में भगवान चित्रगुप्त को सूट पहनाकर अर्ध नग्न लड़कियों के साथ दिखाया गया है, जो काफी अपमानजनक है। बता दें कि 9 सितंबर को इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था। सिवान में खुलेगा पहला लैस प्लस टू स्कूल। बिहार के सिवान जिले में पहली बार आधुनिक सुविधाओं से लैस प्लस टू विद्यालय खोलने जा रहा है। हालांकि इस विद्यालय में केवल ओबीसी वर्ग के बच्चियों की पढ़ाई हो पाएगी। विभागीय अधिकारियों के द्वारा किए गए आकलन के अनुसार इस स्कूल को बनाने में लगभग 46.35 करोड़ रुपया लागत की अनुमान है। जिले में बनने वाले ओबीसी कन्या आवासीय प्लस टू स्कूल में 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए पढ़ाई होगी। इस विद्यालय में बच्चियों के फिटनेस को ध्यान में रखते हुए लेकर जिम की भी व्यवस्था विद्यालय में रहेगी। विद्यालय सीसीटीवी कैमरे से भी लेस रहेगा। स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी, कंप्यूटर, वाईफाई सहित अन्य डिजिटल और नेटवर्किंग सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगे। नीतीश कुमार पर भड़के सपा के सांसद। संभल से लोकसभा सदस्य और सपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सफीकुर रहमान बर्क बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यूपी से चुनाव लड़ने की चर्चा पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि नीतीश के लिए मैं क्यों अपनी सीट छोड़ूंगा। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश को नसीहत दिया और कहा कि वह इतनी दूर यहां से चुनाव लड़ने क्यों आएंगे। उन्हें लड़ना है तो अपनी सीट पर लड़े, इतनी दूर आने की कोई जरूरत नहीं है। संभल मेरा किला है, इस पर हमला हुआ तो मैं बता दूंगा। मेरी सीट को छीनने के लिए कोई प्लानिंग हो रही है तो उसमें मैं किसी को कामयाब नहीं होने दूंगा। एक्स डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद रेणु देवी समेत 33 विधायकों का बदला ठिकाना। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने बिहार के दोनों पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी नितिन नवीन समेत 35 विधायकों को नया आवास आवंटित किया है। स्पीकर ने अपने आदेश में कहा कि विधानसभा गठन के 2 साल बाद भी कई विधायकों को आवास नहीं दिया गया था, जिसके बाद स्पीकर ने भवन निर्माण विभाग के साथ मीटिंग कर 15 दिन में 65 आवास देने का भरोसा दिया है और तत्काल 28 आवास मुहैया करा दिया। बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का नया ठिकाना 2 एम स्ट्रैंड रोड होगा, जबकि पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को 1 ऑफ पोलो रोड मिला है। वहीं पूर्व मंत्री नितिन नवीन को बेली रोड पर B3/42 आवास मिला है। देश भर में आए 10,000 से कम कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी शुक्रवार को जारी की गई कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 5,338 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में कमी हुई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 50 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 17 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल 94,433 कोरोना सैंपल की जाँच की गई है, जहां 70 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बुमराह के फिटनेस को लेकर सूर्य कुमार यादव का बड़ा बयान। भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने जसप्रीत बुमराह की फिटनेस को लेकर और T20 टीम में उमेश यादव को लेकर योजना के बारे में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बुमराह के फिटनेस संबंधी चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि मुझे किसी खिलाड़ी पर टीम की योजना को लेकर कोई जानकारी नहीं है, यह मेरा विभाग नहीं है। इस सवाल का जवाब फिजो और टीम प्रबंधन दे सकता है, वह पूरी तरह से तैयार है, चिंता की कोई बात नहीं है। बता दें कि बुमराह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरुआती T20 अंतरराष्ट्रीय में अंतिम एकादश का हिस्सा नहीं थे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने भी हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कविता कुमारी, कुश कुमार यादव, के सिन्हा, शंकर मुखिया, राबिया बाश्री, अर्जुन राम, अशोक यादव, कुलदीप कुमार, मृत्युंजय कुमार, अमर मंडल, कुमुद, नन्नू कुमार, रघुनाथ प्रसाद, उमेश रिसेदो, मुत्तु रंगीला,
अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, चरित्र प्रमाण पत्र लोगों को मोबाइल पर मुहैया करा दिया जाएगा, इस व्यवस्था से लोगों को कितना लाभ मिलेगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।